आज उसका रिजल्ट ये है मंत्री महोदय जी कि हमारे यहां पे 21,100 एलिजिबल कंज्यूमर्स है और आपकी सरकार ने परिपत्रक निकालने के बाद इसका बेनिफिट कितने लोगों को दिया है ऑन रिकॉर्ड 60 भारतीय जनता पार्टी और महायुति की बहुत बुरी तरह से हार हुई, क्योंकि आपने जो वादा किया वो कितना खोखला था। सिर्फ घोषणाबाजी करके यहां पर इलेक्शन के बोलते ना टोक पर आकर इस तरह से स्पीकर को जीआर देके चुनाव नहीं जीते आते, लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। मंत्रालय धारकांचा हा ते एक बाकी राहिले होतो, जे आपण 1 रुपया आणि 75 पैसे जे केलेला आहे ते वीज बिलाचं, ते आजच मी फोन केला होता आणि ते ऑनलाईन वगैरे प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी सांगितलेलं आहे आणि ताबडतोब त्यांना त्याचा बेनिफिट झाला पाहिजे असा प्रकारचा निर्णय या ठिकाणी मी दिलेला आहे। ट्रान्सफॉर्म युअर स्पेस विथ एलिगन्स अँड स्टाईल। द टाइल्स स्टोर भिवंडी पर आपको टाइल्स के बेस्ट और सिलेक्टेड डिजाइन मिलेंगे, जिससे आप अपने घर, शॉप और ऑफिस की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। क्लासिक से लेकर ट्रेंडिंग डिजाइन सब कुछ अवेलेबल है। विजिट जरूर करें, यहां आपको रीजनेबल प्राइस और बल्क बायर्स के लिए बड़े डिस्काउंट्स भी मिलेंगे विथ ऑल इंडिया डिलीवरी सर्विस। भाषण में मंत्री महोदय सरकार कहती है कि इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल टेक्सटाइल पॉलिसी 2023-28 को इंप्लीमेंट करके सरकार 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाएगी और 5,00,000 जॉब्स बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल का सबसे बड़ा भाग क्या है? पावर लूम, और देश का 50% पावर लूम महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र का 50% पावर लूम भिवंडी में। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार ने इलेक्शन को सामने रखते हुए एक घोषणा की इसी सभागृह में की, इनके 5,00,000 जॉब का मैं आज आपको उदाहरण दूंगा कि किस तरह से सरकार सिर्फ एक घोषणाओं की सरकार है। यहां पर एक लक्ष्यवेदी मैंने ली, उसके बाद टेक्सटाइल कमेटी बनी, टेक्सटाइल कमेटी के चेयरमैन सन्मान्य मंत्री भूसे साहब बने, हम लोग पूरे महाराष्ट्र में घूमे, हमने सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरे महाराष्ट्र में घूमकर एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट सन्माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट की, कैबिनेट के सामने रखी गई और वादा किया गया कि हम जो पावर लूम को सब्सिडी मिलती है उसको एडिशनल सब्सिडी देंगे। हम 27 HP के पावर हाउस के नीचे जो कंजम्पशन करते हैं उनको 1 रुपया और 27 HP के ऊपर जो कंज्यूम करते हैं उनको 75 पैसा। राणे साहब, सुनिए आपकी सरकार का कारनामा। कैबिनेट निर्णय और आचार संहिता के बीच में 2 दिन थे। कैबिनेट का निर्णय हुआ, 1 दिन पहले परिपत्रक निकला, हम लोग इतने खुश हो गए कि जो कई सरकारों ने नहीं किया, महाविकास अघाड़ी ने नहीं किया, वो महायुति की सरकार ने कर दिया। परिपत्रक लेकर हम भागे कि भाई बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर अटी व शर्ती इतनी स्ट्रिक्ट थी कि आज उसका रिजल्ट ये है मंत्री महोदय जी कि हमारे यहाँ पे 21,100 एलिजिबल कंज्यूमर्स है और आपकी सरकार ने परिपत्रक निकालने के बाद इसका बेनिफिट कितने लोगों को दिया है ऑन रिकॉर्ड 60। अब बताइए आप 5,00,000 जॉब कैसे देंगे, 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा? योगेश सागर जी, ये बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं और इसीलिए आप जितने भी एरियाज में पावर लूम है आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और महायुति की बहुत बुरी तरह से हार हुई, क्योंकि आपने जो वादा किया वो कितना खोखला था। सिर्फ घोषणाबाजी करके यहां पर इलेक्शन के बोलते ना टोक पर आकर इस तरह से स्पीकर को जीआर देके चुनाव नहीं जीते आते, लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता, उसके लिए सच्चाई लगती है। यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक और उदाहरण आपको दूंगा और योगी जी इसमें आप मुझे साथ देना। टेक्सटाइल और पावर लूम को आगे बढ़ाने के लिए सन्मान्य चंद्रकांत दादाजी ने एक निर्णय किया कि अब जो भी कपड़ा बनेगा सरकार खरीदेगी, वो महाराष्ट्र का बुनकर ही बुनेगा। मैं चंद्रकांत दादाजी का ऑन रिकॉर्ड धन्यवाद करना चाहता हूं, उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन आपकी सरकार का अंकुश अधिकारियों पे नहीं है।
दादा ने निर्णय किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इसका बहुत स्वागत किया। क्यों? क्योंकि पावरलूम इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो रही है। सबसे पहला टेंडर क्या निकला? स्कूल यूनिफॉर्म। आज आप सबने बताया आपको मैं स्कूल यूनिफॉर्म लाने वाला हूँ योगेश जी आपके पास। अभी मैंने लैब में उसका रिपोर्ट बनाने के लिए दिया है कि कहाँ का कपड़ा है। ये निर्णय हुआ चंद्रकांत दादा का, बहुत धन्यवाद हमने कहा। पता नहीं कितने बुके हम ये मंत्रालय में लेके आए। चंद्रकांत दादा ने सन्मान्य एजुकेशन मिनिस्टर को एक पत्र लिखा कि आपका जो टेंडर है, आप कुछ 145 करोड़ का कपड़ा खरीद रहे हो, इसको आप यंत्र मांग फेडरेशन को दो, सरकार की संस्था को दो। साहब दादा और मैं परेशान हो गए एजुकेशन मिनिस्टर के पास जा जाके। उनके मन में क्या था पता नहीं। टेंडर में पार्टिसिपेंट मैक्सिमम गुजरात और राजस्थान के थे। हमने बहुत हंगामा किया, कैसे वैसे उन लोगों ने यंत्रमार्ग फेडरेशन को डिस्क्वालिफाई किया। पूरे स्पेसिफिकेशन किसने बनाए? यंत्रमार्ग महामंडल ने। सब कुछ टेंडर कंडीशन किसने बनाए? यंत्रमार्ग महामंडल ने। लेकिन मैं आपको बताऊं योगेश सागर जी, हमारे प्रेशर में गुजरात और राजस्थान की कंपनी को क्वालिफाई नहीं किया, इच्छलकरण जी की एक कंपनी को किया, लेकिन कपड़ा गुजरात से आ रहा है। बन रहा किधर है? मेरे यहां पर पड़गा में।